ट्राइबल्स की कलाएं हैं वो अपने आप में बहुत ही अनूठी हैं। भारत की कला हमारी जड़ों में है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड सो हैप्पी टू बी हियर। हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और पता नहीं हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जड़ों से उनको जोड़ कर रखना, आई थिंक सबसे बड़ा ये किसी भी स्कूल का परम उद्देश्य है। हर क्षेत्र में बनाई तुमने अपनी पहचान, जनजातीय विकास का लहराएंगे परचम, भारत को तुम पे रहेगा गर्व हरदम। जो हमारी ट्राइब्स हैं, जो हमारी जनजाति, उन लोगों के पास इतनी कला, इतनी डिस्टिंक्ट कला है स्पेसिफिक, और उनको हमें बिल्कुल भी खोने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ हुई जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके नायक इस देश के जनजातीय लोग थे। ये वो समाज है जिसने भारत की अखंडता और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। जब तक हम इस समाज को अपने से अलग मानेंगे तब तक ये कमी रहेगी, इसलिए इसको इसके साथ बिल्कुल एक बन के इसको साथ लेके आगे बढ़ना है। ट्राइबल कम्युनिटी में कल्चर बहुत स्ट्रांग है, कल्चर के माध्यम से ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं और ग्राउंड जीरो पर आपको काफी डेवलपमेंट नजर भी आ रही है। जैसे कि खेतों में उगाते हैं कोदो कुटकी का, फिर उसका पैकिंग करते हैं, फिर बाहर बेचने के लिए ले जाते हैं। हॉस्टल्स बने, टीचर्स रेजिडेंसेस बनने शुरू हुए, इसके अलावा कंप्यूटर लैब, अदर लैब्स एंड लाइब्रेरी, इन सब के लिए अलग से फंडिंग होती है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोगों ने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया। हमारी जनजातीय परंपराओं को, जिसको हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उनको मेनस्ट्रीम करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है, जो कि कई करोड़ लोगों तक इस संदेश को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं।